पंचायती राज विभाग बिहार, पत्रांक संख्या आप दे सकते हैं 4589 है, दिनांक है 28/3/2022। उसके बाद यहाँ पे पंचायत सहायक के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, इन तीनों के लिए पोस्ट निकाली गई है। कुल रिक्त पद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पंचायत सहायक के लिए 3265 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 4659 है, अकाउंटेंट के लिए 956 है। तो न्यूनतम आयु वर्ष आपका 18 से 47 रहने वाला है। उसके बाद 100 अंकों का एग्जाम लिया जाएगा। पेमेंट फीस आपका जो है यहाँ टोटल 625 यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायत विभाग बिहार, आवेदन प्रारंभ तिथि आप 27 जून यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अंतिम तिथि आपकी है 15 जुलाई। ठीक है। प्रधान संख्या आपका देख सकते हैं 4549 है यहाँ पे। उसके बाद दिनांक यहाँ पे आप देख सकते हैं 28/3 है 2022 के अंतर्गत यहाँ पे जो है पंचायतों में तीन तरह के यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि यहाँ पे आवेदन मांगा गया है पंचायत राज विभाग की तरफ से। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पद है और क्या क्या आपकी यहाँ पे शैक्षिक योग्यता मांगी गई है और कितने यहाँ पे पोस्ट हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। पंचायत सहायक में आपका जो है इंटरमीडियम होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। उसमें यहाँ पे टोटल पोस्ट है 3265। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे इंटरमीडियम, स्नातक या इंग्लिश हिंदी दोनों में टाइपिंग होना चाहिए आपका, इंग्लिश में 35 हिंदी में 25। तो यहाँ पे टोटल डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 4559 है। ठीक है। फिर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे जो है स्नातक के साथ सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान, एक्सेल की जानकारी होना चाहिए अकाउंटेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप पोस्ट का कितने पोस्ट है आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 956 है। ठीक है। तो प्लस यहाँ पे आप वेतन भी आप देख सकते हैं, वेतन का जो यहाँ पे दिया हुआ है पंचायत सहायक का वेतन जो है 19,200 प्रति माह मिलने वाली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे जो है 4659 है टोटल पोस्ट, और यहाँ पे सैलरी जो है आपका 22,000 कुछ यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए आपका 27,000 प्रति माह मिलने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यूनतम शिक्षित योग्यता आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अतिरिक्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उम्र यहाँ पे दिया 18 से, अगर आपकी एज लिमिट 18 है तो आप आवेदन कर सकते हैं, 18 से 47 के बीच है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे चयन पर कि आप देख सकते हैं प्रथम चरण में 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे CBT लिया जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण में आपका डाटा इंटरप्रेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। और अन्य पद के लिए यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान का भी परीक्षण लिया जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे परीक्षा शुल्क आप देख सकते हैं 625 है। अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग पेमेंट फीस जो है यहाँ पे मांगा गया है फ्रेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे पंचायत राज विभाग का कोई सिग्नेचर नहीं है इस लेटर पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले बात यहाँ पे आप पत्रांक संख्या देख सकते हैं 4549। इस पत्रांक संख्या अगर आप सर्च करोगे तो इस पत्रांक संख्या से दूसरा कोई लेटर निकल के आता है, ये पूरा फेक लेटर है फ्रेंड्स। ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की कोई वैकेंसी नहीं आई है, आप इस अफवाह पे मत जाएं। ठीक है। यहाँ पे आवेदन करने का कोई मार्ग नहीं है जो इससे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें बस एक लिंक दिया गया और उस लिंक पे जब जाओगे तो आपको एक PDF मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, आपको अप्लाई करने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह फेक लेटर से आप लोग दूर रहना, ये पूरा फेक लेटर है, आप यहाँ पत्रांक संख्या को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं कब का है। तो फ्रेंड्स अगर आप डाटा एंट्री पर पढ़ना चाहते हैं तो मात्र एक उपाय है, आपको बेल्टॉन के थ्रू ही डाटा एंट्री पर पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बेल्टॉन का न्यू फॉर्म, न्यू रजिस्ट्रेशन आने वाली है, उसका वेट करें, बहुत ही जल्द न्यू रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो लेटर है ये पूरा फेक लेटर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा इस चैनल पर जेन्युइन और सही जानकारी मिलेगी, तो इसीलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।